वेडिंग्स ऑल, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि हाउ टू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड विथ टू मैनी सब्जेक्ट्स वाइल स्टडी. तो कई बार स्टूडेंट्स जब पढ़ रहे होते हैं तो उनके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है. इनफैक्ट सब्जेक्ट्स के एक सब्जेक्ट में भी करने के लिए कई बार काफ़ी कुछ होता है और वो उस पूरी सिचुएशन में ओवरवेल्म फील करने लगते हैं कि अब क्या क्या करूँ, एग्जाम है कल, क्या क्या पढ़ाई करूँ, है ना, एक हफ्ते बाद एग्जाम है, क्या क्या पढ़ाई करूँ. तो इसका मैं बहुत सिंपल आंसर देने की कोशिश करूँगा कि तुमने कभी ऐसे बहुत सारे धागे उलझ जाते हैं तो उनको सुलझाने की कोशिश की है क्या? उन धागों को कैसे सुलझाया जाता है? उन धागों को सुलझाने की बहुत सिंपल टेक्निक है. आपको सिर्फ एक धागा सुलझाना है. जैसे तुम एक धागे को पकड़ोगे और बाकी थ्रेड से उसको अलग निकालते जाओगे, बाकी धागे अपने आप सुलझ जाएंगे. मतलब क्या हुआ इसका? तो टैंजिबली देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि एक समय में इंसान एक ही काम कर सकता है, उस काम को ठीक करने की कोशिश करनी है. जैसे ही एक काम ठीक होने लग जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जैसे ही हम दूसरा काम को हाथ में उठाएंगे तो वो भी होने लग जाएगा, फिर तीसरे को उठाएंगे वो भी हो जाएगा. जब सफिशियंट मोमेंटम गेन कर लेंगे तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें होने लग जाएंगी. तो तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है जो तुम वैसे भी नहीं कर सकते. तुम एक समय में एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, एक सब्जेक्ट में एक ही टॉपिक पढ़ सकते हो, एक ही टॉपिक में एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. तुम्हें उस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है. एंड ट्राई टू फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. सी, सब्जेक्ट्स वेयर मेड फ्रॉम प्रॉब्लम्स, नॉट द अदर वे राउंड. तो जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, जितनी प्रॉब्लम्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना आउटपुट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स स्कोर हम गेन करेंगे और चीज़ें हमें उतनी ओवरवेलमिंग नहीं लगेंगी जितनी अभी लग रही है. सो ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, इस वीक में क्या करना है, इस मंथ में क्या करना है. ब्रेक इट डाउन इनटू फर्दर स्मॉल पार्ट्स, इस घंटे में क्या करना है, इस मिनट में क्या करना है. एंड बी वेरी टेंजिबल, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सब्जेक्ट. वंस यू विल सी दैट एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ इन द लॉन्ग टर्म प्लान, यू विल फील मच रिलैक्स्ड. इनफैक्ट एक अच्छी एडवाइस ये होगी कि इसको तुम रिवर्स प्लानिंग करो, मतलब एग्जाम किस डेट को है और उससे रिवर्स प्लानिंग करना स्टार्ट करो. हर मंथ को, हर वीक को जब तुम गोल असाइन करना शुरू करोगे तो यू विल सी अ ट्रेमेंडस इफेक्ट इन योर साइके. यू विल फील दैट कि एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. वंस यू हैव दैट अश्योरेंस इनसाइड यू कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, थिंग्स विल स्टार्ट फॉलोइंग इन टू प्लेस, यू जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट वॉट यू हैव अलॉटेड इन दिस आवर. उसको छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर पैक कर दो और उस मोमेंट के अंदर कंप्लीट अटेंशन दे के उस काम के अंदर एक्सेलेंस हासिल करने की कोशिश करो. छोटी छोटी सक्सेसेस से तुमको बड़ी कामयाबी मिलेगी, बड़ी कामयाबी से तुम गोल अचीव कर सकते हो और फिर तुम्हें लाइफ कभी भी उतनी ओवरवेलमिंग नहीं लगेगी जितनी तुम्हें आज फील हो रही है. दैट वॉज माई टेक ऑन द क्वेश्चन. थैंक यू.